Good evening everyone and welcome to my sociology class. Today my topic is e-governance. I am Sridharna Sengupta. Let's start the topic. So E in the e-governance stands for the electronic. Thus the government is basically associated with the carrying out the functions and the achieving the result of the governance through the utilization of the ICT, that is information and communication technology. So इसका मतलब है कि हम लोगों के गवर्नमेंट हम लोगों के देश के पर्सपेक्टिव से हम लोगों के देश में बिजनेस सिटीजन्स ये सब बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट को इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए गवर्नमेंट आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन ई गवर्नेंस जी टू जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जी टू सी यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन जी टू बी गवर्नमेंट टू बिजनेस जी टू ई गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. तो ये है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन का जो गवर्नेंस इंटरेक्शन होता है ये है उसका लिस्ट. एडवांटेज क्या है ई गवर्नेंस का? एडवांटेज तो डेफिनेटली है कॉस्ट रिडक्शन होता है. बहुत कम समय में कम पैसे में एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है. ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी इसमें ट्रांसपेरेंसी होने का चांसेस ज्यादा होता है. जैसे कि स्वच्छता दैट मीन्स कहीं भी अगर न्यूज जाए तो उसमें स्वच्छता रहने का चांसेस ज्यादा है. अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो अकाउंटेबिलिटी भी रहेगा. कन्वीनियंस कन्वीनियंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस का जो मतलब जो पार्ट है. इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज यस गवर्नमेंट टू बिजनेस में कस्टमर सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है. अभी फिलहाल जो है डिफरेंट ऐप निकल के आया है. ये ऐप जो है ये काम करना शुरू कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से. हम लोग घर में बैठ के टेलीफोन रिचार्ज कर सकते हैं इंटरनेट रिचार्ज कर सकते हैं इवन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम लोग दे सकते हैं. इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन को ये इंफॉर्मेशन इंक्रीज करने के लिए एक्सेस जो है वो इंफॉर्मेशन इंक्रीज का जो एक्सेस है वो बढ़ जाता है ई गवर्नेंस के थ्रू. डिसएडवांटेज क्या है? इसमें मेन डिसएडवांटेज है ई गवर्नेंस का कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो कम होता जा रहा है. इंटरपर्सनल मतलब आपसे मैं आमने सामने जब बात करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है. चैलेंजेस क्या क्या है इसमें? चैलेंजेस ई गवर्नेंस का जो चैलेंजेस है दैट इज द थ्री टाइप्स ऑफ चैलेंजेस दैट इज टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिकल. टेक्निकल चैलेंजेस जो जो है दैट इज प्राइवेसी सिक्योरिटी ये सब के लिए जैसे कि जितना इंटरनेट जितना हम लोग यूज करते हैं साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है. ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस जो है लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस है डिफरेंट लैंग्वेजेस है डिफरेंट पीपल है सब लोगों को समझाना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लेके आना लैक ऑफ कीपर्स एंड पॉपुलेशन ये सब कुछ बहुत चैलेंजेस है. इकोनॉमिकल चैलेंजेस दैट इज द कॉस्ट मेंटेनेबिलिटी रीयूजेबिलिटी पोर्टेबिलिटी ये सब इकोनॉमिकल ये जो कॉस्ट है मेंटेन के लिए कॉस्ट है पोर्टेबल जो होगा एक मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर पोर्टेबल होगा तो उसमें कॉस्ट लगता है. तो ये सब कुछ चैलेंजेस ई गवर्नेंस में. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर नाउ. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन गुड बाय.